हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस 49568 भर्ती से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें जो कि आपके सिलेक्शन से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके फाइनल कट ऑफ 13 फरवरी के बाद क्यों आएंगे, ठीक है, और आपकी जो मेडिकल डेट है वो कब तक एक्सपेक्टेड है, मतलब कब तक हो सकती है आपकी मेडिकल। प्लस अगर आप मान लो, आई होप कि आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन बाय द वे मान लो अगर आप मेडिकल में कोई भी कारण से डिसक्वालीफाई हो जाते हो तो क्या आपको दोबारा चांस मिलेगा या फिर नहीं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो हमने कल शाम, मतलब कि प्रीवियस वीडियो जो है आपके फाइनल कटअप से रिलेटेड अपलोड की थी, जिसमें मैंने 11,000 स्टूडेंट्स की जगह 1100 स्टूडेंट्स बोल दिया है, और ये मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, इसलिए आपसे सॉरी भी, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने जानबूझकर ये गलती तो की नहीं, जल्दी जल्दी में हो जाता है गलती, गलती से मिस्टेक हो जाती है, लेकिन अब देखो यार, मतलब बहुत सारे ऐसे भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि कुछ गलत भी बोलते हैं, उन्होंने बोला भी, तो मैंने सोचा भी कि हाँ मेरी गलती है, लेकिन आपको भी मतलब हद है यार, कोई नहीं, इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और 11,000 स्टूडेंट्स होंगे, ना कि 1100, ठीक है। मैक्सिमम मैंने आपको बोला था, ना कि मिनिमम। अब मैक्सिमम में, अब देखो यहाँ से प्लस बिल्कुल नहीं होंगे, आप यहाँ से माइनस करना, ठीक है। तो ये हो गई प्रीवियस वीडियोज वाली बात। अब चलिए हम इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके ये कमेंट्स आ रहे थे कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो 13 फरवरी के बाद क्यों आएगी। तो सबसे पहले आप ये जानो फ्रेंड्स, आपकी जो फाइनल, जैसे कि एक आर्टिकल के थ्रू पता चला कि फरवरी के फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक में आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो आएगी। और हमने आपको पहले भी बताया था कि जो 41,520 की मतलब DBPHT प्लस PET जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद 2 या फिर 3 दिन बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट आ गया था, मतलब कि आप मान के चलो ना। तो देखो, 41,520 की जो फाइनल कटअप थी वो आपकी आई थिंक 15 फरवरी को जो है समाप्त हो गई थी PET। और वहीं अगर हम फाइनल कटअप मतलब कि रिजल्ट की बात करें तो 20 फरवरी से पहले आपका आ गया था, आई थिंक 18 को, ठीक है, 18 फरवरी को आया होगा, मतलब आप ये मान के चलो कि 20 फरवरी से पहले आ गया था। तो आप देख सकते हो कितना टाइम लगा, लेकिन इस भर्ती में थोड़ा टाइम लगेगा, क्यों लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो मतलब मैंने इसी के बेस पर बोला, जैसे ये नोटिस जो है ये आपकी 41,520 वाली है, और इसमें पूरा जो है इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि मतलब आपकी PET प्रोसेस कब खत्म हुई, प्लस आपके जो भी मतलब फाइनल कट ऑफ है वो कब तक आए, प्लस मेडिकल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसी के बेस पर हमने आपको पहले भी बताया था। तो अब देखो, इस भर्ती में आपकी 13 फरवरी के बाद क्यों आएगी ये भी जान लो। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर ई पेपर की जो कटिंग है वो दिख रही होगी, और ये पेपर आपकी जो है दैनिक जागरण की है, ठीक है, कुछ दिन पहले की, मतलब कि 2-3 दिन पहले का ये पेपर है, और मैंने आपको बताया था, लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों आपका 13 फरवरी के बाद आएगा। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि एक रीट डाली गई जो कि आयु एज के संबंध में, ठीक है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स एज के संबंध में जो है बाहर हुए हैं आयु सीमा को लेकर, तो भर्ती बोर्ड जो है इस पर 13 जो कोर्ट है उस पर सुनवाई करेगी। भर्ती बोर्ड को उसने फटकारा भी है, और देखो नागरिक पुलिस एवं PSC 49568 कांस्टेबल भर्ती आयु सीमा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड से जो है वो जवाब मांगा है, और क्यों मांगा है जैसे कि अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, न्यायमूर्ति JJ मुनीर ने याची पंकज राय व अन्य याचिकाओं पर दिया है, ठीक है। मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। अब मान लो जब तक इन स्टूडेंट्स का जो भी मैटर है वो डिसीजन नहीं आएगा, तब तक आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो आने के भी चांसेस नहीं लग रहे हैं। अब मान लो सब स्टूडेंट्स का तो एक साथ ही आएगा, ये ऐसा तो होगा नहीं, तो मुझे लग रहा है कि और कुछ स्टूडेंट्स भी बोल रहे थे कि जो फाइनल आपकी कट ऑफ है वो 13 फरवरी के बाद ही आ सकती है, क्योंकि जब तक ये जो मामला है सेट आउट नहीं हो जाता तब तक कट ऑफ आने के कोई चांसेस नहीं बन रहा है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। और देख सकते हो कि 23 वर्ष की उम्र थी, और 23 वर्ष 1 दिन कम उम्र के अभ्यर्थियों को इसमें शामिल कर लिया गया,
तो पूरा मामला यही है, इसी वजह से हम ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो 13 फरवरी के बाद आए, मतलब कि आप मान के चल सकते हो कि फरवरी के सेकेंड वीक में आपकी फाइनल कट ऑफ आ सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके मेडिकल से रिलेटेड। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि आपके सामने एक नोटिस दिख रहा होगा जो कि 3 पेज का है, ठीक है, और इसे हम फैक्स ईमेल यानी कि इंटरनल नोटिस है। इंटरनल मतलब कि ये आपके लिए नहीं है, ये उन संस्था या फिर अधिकारियों के लिए है जिन्होंने भर्ती बोर्ड जो है उसने फैक्स ईमेल किया है, ठीक है, और ये उन स्टूडेंट्स का है। 41,520 की जो वैकेंसी थी जिसमें 18,000 जो PSC कैंडिडेट थे जिनकी ज्वाइनिंग 24 दिसंबर को हुई थी, ठीक है, उसके संबंध में। लेकिन हाँ, इससे एक बात जरूर पता चलेगा कि आपकी जो मेडिकल है वो कब तक हो सकता है, प्लस आपकी जो ज्वाइनिंग प्रशिक्षण है, ठीक है, मतलब वो कब से स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये आपका 3 पेज का पूरा PDF है। तो चलिए हम सिंपली जान लेते हैं क्या इसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो देख सकते हैं, पहले वर्ष 2018 में चयनित 16,061 रिक्रूट आरक्षी PSC एवं दिनांक। अब देखो, अभी आपने आप सोच रहे हो कि 18,000 आपने बोला, फिर 16,000 कैसे? तो फ्रेंड्स, 18,000 तो आपकी कुल सीटें थी PSC वाली, ठीक है, और 31,000 प्लस आपकी सिविल वाली थी जिसमें उनका तो ज्वाइनिंग हो गया, लेकिन अभी PSC का जो भी होता है वो लेट होता है। तो 18,000 की जगह 16,000 ही कैंडिडेट जो है, 16,000 प्लस कैंडिडेट ही ओनली ज्वाइनिंग पर गए, ठीक, और क्यों नहीं गए आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने इसमें एग्जाम दिया होगा और उन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया होगा, ठीक है, तो वो सोच रहे होंगे कि क्या पता है इसमें सिविल मिल जाए, है ना, तो इस वजह से हो सकता है ये सीटें खाली रह जाएं 2,000 प्लस। तो ये सीटों तो भरी जाएंगी क्योंकि कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही है, भरी जाएंगी, आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है। तो इसके मामले में देख सकते हो, 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षुओं के जो अंतर्वर्षीय विषय बाय, मतलब यही सब इसमें बोला गया है। तो अब बस आपको ये इम्पोर्टेंट रखना है कि ये कब तक जो है समाप्त होगा और आपके जो ट्रेनिंग सेंटर्स है वो कब तक खाली होंगे। तो देख सकते हैं, जैसे कि अभी हम आपको सिंपली दिखाएं, आई होप कि आपने ये नोटिस भी देख लिया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट में अंतः कक्षीय विषयों का अंतिम परीक्षा दिनांक 27/6/2020 से 2/7/2020 तक, ठीक है, बाह्य विषयों की परीक्षा। तो ये तो मतलब PSC के लिए है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ये जानो। यहाँ देखो नीचे कि संस्थानों केंद्रों द्वारा अपने अपने केंद्रों का अंतिम परीक्षा परिणाम तैयार कर अंतिम परीक्षा परिणाम उद्घोषित करने का दिनांक जो दिया गया है इसमें 14 जुलाई, देख सकते हैं, तो देख सकते हैं इसमें 14/7/2020 दिया गया है। वहीं आप नीचे जैसे देखोगे तो यहाँ देखो पासिंग आउट परेड, मतलब कि जो इनकी प्रशिक्षण है वो आपकी 15/7/2020 को जो है समाप्त हो जाएगी। मतलब आप देख सकते हो इनकी जो प्रशिक्षण है, पासिंग आउट परेड है, वो 15 जुलाई को समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद से तो आपकी जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स है वो तो खाली ही होंगी, है ना, क्योंकि बोला जा रहा था कि ट्रेनिंग सेंटर्स खाली नहीं है, इसीलिए आपके प्रशिक्षण में जो है वो देरी होगी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो है आप देखो जुलाई जुलाई में लास्ट तक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक आप फर्स्ट बैच के जो भी होंगे वो तो ट्रेनिंग पे ही चले जाएंगे, है ना। तो देखो, इससे पहले आपका मेडिकल होगा, मेडिकल आप कब तक हो सकता है, आप मान के चलो जो आपके एडमिट कार्ड है वो मान लो अगर सेकेंड वीक में अगर आपका फाइनल कट ऑफ आ जाता है, ठीक है, तो आपकी मेडिकल जो एडमिट कार्ड है वो फरवरी के लास्ट या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में रिलीज कर दिए जाएंगे आपके एडमिट कार्ड। देन आपका जो मेडिकल चलेगा वो आपका मेडिकल रहेगा मार्च और अप्रैल, 2 मंथ, मतलब इसी के बीच में जो है वो आपका मेडिकल हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है। अब बात यहाँ आ जाती है रीमेडिकल से रिलेटेड, क्योंकि देखो रीमेडिकल का, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट था कि क्या रीमेडिकल के लिए भी स्टूडेंट्स को मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, रीमेडिकल का मौका आपको मिलता है। अब आप ये कहोगे, और देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दें, जो भी वहाँ डॉक्टर्स होते हैं ना
वो स्टूडेंट्स को फेल नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि जो स्टूडेंट्स हो वो डिसक्वालीफाई हो। तो अपने तरफ से आप पूरी, मतलब जो भी है मैंने आपको पहले भी बोला, आप चेकअप करा जाना। और रही री मेडिकल की बात, तो आपको फिर से मौका दिया जाता है, एक बार नहीं दो तीन बार आपको मौका दिया जाता है। मान लो आज आप गए हो, अगर आप मान लो आज किसी वजह से मान लो आप बाहर हो रहे हो, तो आपको 2 या फिर 3 दिन बाद फिर बुलाया जाएगा। मतलब 2-3 बार आपको मौका दिया जाता है। इसीलिए तो स्टूडेंट्स को जो है जितनी सीटें होती हैं उतने ही स्टूडेंट्स भी बुलाए जाते हैं। जैसे कि 41,520 में ऐसा हुआ था, लेकिन 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 अब मान लो 2-3-4 बार बुलाया जाए, फिर भी अगर मान लो स्टूडेंट्स क्वालिफाई ना हो, तो फिर इसमें वो क्या कर सकते हैं, भर्ती बोर्ड या फिर वो डॉक्टर्स, ठीक है। तो लगभग जो है उसी वजह से आपकी सीटें खाली गई। अब आप ये मतलब आप ये सोच रहे होगे कि जब तब मेडिकल में डिस्क्वालीफाई नहीं होते तो फिर सीटें कैसे खाली हो गई। तो फ्रेंड्स अब मान लो जब आप मेडिकल के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे, तो फिर भर्ती बोर्ड या फिर वो डॉक्टर्स क्या करेंगे। मतलब आपको मौका दिया जाता है, सिंपली मैं ये बोल रही हूँ। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और अपने हाथ से अपना कान बिल्कुल साफ नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं कि अपने हाथ से अपना कान साफ कर लेते हैं, और जो कान का पर्दा होता है वो मतलब उसमें कुछ मतलब हो जाता है, तो आपको दिक्कत होने लगती है। तो जो भी करवाना है आप जाओ डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है, कान साफ करवाओ, दांत में अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कैविटीज है, तो उसे साफ करवाओ, अगर दांत भरवाना है तो उसे जब मेडिकल डेट आए तो आप भरवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मेडिकल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और हाँ, रही डॉक्यूमेंट्स की बात, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो एक लाइक, प्लस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से जो भी ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन आती है हम इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।